सर मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से अलाउद्दीन बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन नर्सरी तरफ से। आज हमने वीडियो बनाने आया है, कालापाती चिक्कू की वीडियो बनाने आया है, क्योंकि चिक्कू प्लांट की वैरायटी में बहुत ही अच्छा क्वालिटीफुल वैरायटी में पड़ती है कालापाती चिक्कू। चिक्कू के बहुत सारा वैरायटी अभी है, लेकिन जैसे कि डीम चिक्कू है, कालापाती चिक्कू है, लैंगचा चिक्कू है, उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी फुल वैरायटी मेरे ख्याल से कालापाती चिक्कू है। इसका जो हसियत है, इसका गुच्छे भर के फ्रूटिंग आती है, जो एक गुच्छे में 7-8 यानी 10-15 भी गुच्छे में फ्रूटिंग लगती है, और इसका साइज़ भी बहुत ही बड़ा होती है। नॉर्मली 150 से 200 ग्राम तक आ जाती है इसका साइज़ ही, और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसका कलर आती है, जब मशरूम हो जाती है तब इसका थोड़ा सा काली कलर आती है, और मीठा जैसी है, जैसे कि आपका रसगुल्ला है, रसगुल्ला तरह रसगुल्ला जितना मीठा है, ऐसी वो है कालापाती चीकू का मीठा जैसी रहती है, और खाने में बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और इसका जो हसियत थी, फर्स्ट टाइम से फ्रूटिंग देना चालू करती है, मतलब अब प्लांटेशन कर रहा है, ज़मीन पे बैठा दिया है, तो बैठाने के कुछ दिन बाद से फ्रूटिंग देना चालू होती है। नॉर्मली पहले साल से आप बोल सकते हो फ्रूटिंग देती है, और इसका जोड़ से पौधे तैयार होती है। जैसे कि दूसरा इसका बीज लेना पड़ता है, लेके मदर गार्ड से के मदर प्लांट से इसको ग्रेपरेट करके तैयार करना पड़ती है। ये हमारा अलाउद्दीन नर्सरी का एक मदर प्लांट में अभी वीडियो चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो सर कितना अच्छा फ्रूटिंग आया है। क्योंकि मदर प्लांट जो है, हमारा काम है सर प्लांट बैठाने के बाद उसमें से पौधे तैयार करना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके पर ज़्यादा ट्रीटमेंट भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि जो किसान करती है खेतों में बैठा के, जो किसान बहुत ही अच्छा तरह मेहनत करके बनाती है प्लांट फ्रूटिंग, तो हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोगों का काम है ज़मीन पे पौधे बैठा दो, बैठाने के बाद उससे डालियाँ काट के पौधे तैयार करो, पौधे तैयार करके मार्केट में छोड़ो। तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा वैरायटी है। अगर कोई इंडिया का बहुत लाखों लाखों किसान भाइयों ने खेती बाड़ी कर रहा है, तो हमारा कालापाती चिक्कू ये भी आप बैठा सकती हो। ये 10 फीट 10 फीट बाई 10 फीट आप बैठाने तो अच्छा होगा, 10 फीट बाई 10 फीट आड़े, 10 फीट लंबाई 10 फीट बाई बैठा दो। बैठा के ये थोड़ा सा इसका पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मली आपका महीने में एक बार पानी दे दिया तो चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो फ्रूटिंग आती है सब खुद ही देख लो, पूरा गुच्छे भर के फ्रूटिंग आती है, और इसका मंडी की मार्केट वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसका रेट भी सबसे हमेशा के लिए ज़्यादा रहती है। चीकू जो है हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस है, फ्रूट प्लांट है, फ्रूट है जो बहुत लोगों को ने खाती है, तो हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खाती है, बहुत ही अच्छा है। अगर कोई किसान भाइयों का थाई कालापाती चिक्कू लेके प्लांटेशन करना हो, तो अलाउद्दीन का नंबर वीडियो के ऊपर आएगा, नंबर लेके हमारे साथ बात करके पौधे लेके खेती बाड़ी कर सकती हो। और हम लोगों ने ज़्यादा प्लांट की रेट ज़्यादा नहीं लेती, नॉर्मली होलसेल में माल बिकता है, अगर 10 प्लांट 10 20 40 जितना हो सके उतना हम भेजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग रेट के ऊपर ज़्यादा नहीं लेते, ओनली कॉस्टिंग लेती है, जो खर्चा आती है वो लेती है, और थोड़ा सा लाभ रह के माल डिलीवरी कर देती है। हम लोगों ने चाहती है कि हर टाइम प्लांट किसान के पास डायरेक्ट पहुँचाना, क्योंकि जेन्युइन प्लांट किसान के पास डायरेक्ट पहुँच गया तो हमारा बहुत अच्छा होगा, हम उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा प्लांट बैठा के, ठीक है। तो अभी 3-4 प्लांट में अभी वीडियो चल रहा है, तो आप देख सकते हो सर कितना अच्छा फ्रूटिंग आया है। तो अगर अपने लेके चिक्कू की और सारा वैरायटी है, जैसे कि डिम चिक्कू है, लैंगचा चिक्कू है, सब मिलेगा, लेकिन कालापाती चिक्कू अभी ऑल इंडिया में एक फेमस वैरायटी है, जो बहुत ही किसान भाइयों ने लगाया है, जैसे कि लगा के उस किसान ने लाखों लाखों रुपया भी कमा भी लिया है। और हमारा पास से प्लांट खरीदा था, खरीद के सब बैठाया था, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी हम लोगों के पास आया है। तो अगर आपने लेके प्लांटेशन कर सकते हो, तो अलाउद्दीन से ज़रूर कांटेक्ट करके पौधे लेके खेती बाड़ी कर सकते हो।
और इसका साथ साथ भी और एक फ्रूट की प्लांट है जो कि लंगचा चिक्कू है। लंगचा चिक्कू थोड़ा लंबा आती है। और ये वीडियो देखने के लिए इंडिया का लाखों लाखों किसान भाइयों का मेरा तरफ से